फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए वीडियो में। मैं हूं LKR और आप देखना जारी कर चुके हैं ललिकेश व्लॉग। आज हम पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ टेंपल। नमन कर लीजिए। राजा हरिचंद जी सीधा नौकरी करते थे,
जो कलुआ डोम डोमो का राजा उनको अपने यहाँ नौकरी पर रखा था इसी जहाँ, ठीक है, सत्यवादी राजा हरिचंद इसी जहाँ जिंदा स्वर्ग रहे थे, इसी जहाँ तीनों लोग का मूर्ति बना है, राजा हरिचंद उनके पत्नी तारा देवी उनके बेटे रोहित दास जी का, जिनको सांप काट लिया था इसी जहाँ जलाने के लिए लाए थे। ऊपर देखिए मशीन जलता है, नीचे हाथ से जलता है। देखिए कर्नाटक का उड़ीसा का महाराज भी इसको दान में देकर चला गया। देखिए हनुमान घाट, ये हनुमान घाट है, इसमें कुंभ के मेला में साधु लोग रहता है, नागा साधु इसमें नहीं रहता है, केवल कुंभ में आता है तब रहता है इसमें। ये देखिए शिवाला घाट, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुआ था, ये नौ खाने पर सिद्धि बचा हुआ, एक कष्ट में फंसी दसवा खंड यही है, दसवा खंड। ये देखिए तेज सिंह घाट, राजा तेज सिंह घाट है, ये राजा तेज सिंह का ये महल है। अब यहाँ से बोट घूम जाएगी, घूमने के बाद हरिचंद से मकनका घाट होता है, लेकिन समय होने के कारण आपको पांच छह घाट आगे घुमा दिए, दस घाट। ये देखिए दशरथ घाट, दशाश्वमेध घाट, जहाँ से आप लोग आए उसके बगल में जहाँ गंगा आरती होती है, दशाश्वमेध घाट बनारस काशी का मेन घाट है, इसी जहाँ राजा दशरथ स्नान किए थे, दस हजार के सम्मान करवा के छठ नाम दशाश्वमेध घाट रखा था, और अपना रथ छोड़ के वहाँ पे चले गए, वहाँ पर देखिए वो है। ये देखिए डॉक्टर रविंद्र प्रसाद घाट, जहाँ से आप लोग बैठ के आए हैं। ये देखिए अंदर में वाराही देवी माता का मंदिर है, उनको लाल चुनरिया के नाम से भी लोग जानते हैं, आप लोग हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए। ये वाला देखिए कलुआ डोम, राजा का मकान, जो राजा हरिचंद को अपने नौकरी पर रखा था, कलुआ डोम डोमो का राजा का मकान है, जो राजा हरिचंद को अपने नौकरी पर रखा था, ये वाला है शेर वाला मकान। ये देखिए त्रिकूट भैरवी का, त्रिकूट भैरवी माता का मंदिर है, पेड़ के पास हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए। ये देखिए मीर घाट, मीरा भाई के नाम पर घाट का नाम मीर घाट रखा है, पहले इनका वृद्धा संस्था चलता था, लेकिन इस समय बंद होकर होटल खुल गया है सब। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे एक नए दिन और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जय सियाराम, जय सियाराम।